हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज कुमार वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल इन फ्यूजन और यू कैन से क्लाउड ईआरपी जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि भले ही मेरा क्लाउड ईआरपी हो या मेरा ऑरेकल ई बिजनेस सूट हो कोई भी ईआरपी हो उस ईआरपी को मेंटेन करने के लिए मेरे पास चाहिए होते तीन तरीके के यूजर और यू कैन से तीन तरीके के कैंडिडेट कौन कौन से एक चाहिए होते मेरे पास मेरे को बिजनेस यूजर्स जो मेरे उस बनाए हुए प्रोडक्ट पे काम करेंगे मतलब प्रोडक्ट वो भले ही ओरेकल ने डिज़ाइन किया ओरेकल ने डेवलप किया बट अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी सेटअप हमने किए हैं उन सेटअप्स के बेसिस पे जो भी फंक्शनैलिटी अब मेरे ओरेकल क्लाउड फ्यूजन के अंदर अवेलेबल है जो उनको यूज़ करेगा उसे दोस्तों बोलते हैं बिजनेस यूजर बिजनेस यूजर ही मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रिक्वायरमेंट्स देता है जिनको फुलफिल करने के लिए मेरी टीम के पास होते हैं दो तरीके के कैंडिडेट एक होते हैं फंक्शनल कैंडिडेट एक होते हैं टेक्निकल कैंडिडेट अगर मैं बात करूं औरकल ई बिजनेस सूट की तो आपको बखूबी पता है कि वहां पर मेरे को अगर कोई भी रिपोर्ट किसी भी तरीके की डेवलप करानी होती थी तो मुझे पूरी तरह से टेक्निकल कैंडिडेट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रखनी पड़ती थी पहले रिपोर्ट की जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो मेरा जो फंक्शनल बंदा होता था, था वो पूरी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट लेता था टेक्निकल बंदे को हैंड ओवर करता था और टेक्निकल बंदा फिर उस रिपोर्ट को बना करके अपने डेवलपिंग इंस्टेंस पे यू पे स्टेज पे या जो भी उनके पास इंस्टेंस है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे उस रिपोर्ट को देता है मेरा बिजनेस यूजर उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को टेस्ट करता है फाइनलाइज करता है फ्रीज करता है और उसके बाद वो रिपोर्ट मेरी मूव होती थी कहाँ पर प्रोडक्शन सर्वर पे राइट right? बट दोस्तों यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और फ्यूज़न एप्लीकेशन के अंदर या औरल क्लाउड एप्लीकेशन के अंदर दोनों के दोनों जो मेरे यूजर्स होते हैं लाइक फंक्शनल यूजर और टेक्निकल यूजर दोनों को ध्यान में रखते हुए ही रिपोर्टिंग टूल को डेवलप किया गया है तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जरूरी नहीं है कि आप फंक्शनल हैं ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निकल हैं आप बिजनेस यूजर भी क्यों ना हो आप रिपोर्ट डेवलप कर सकते हो और फ्यूजन ए के अंदर किस तरीके से सबसे पहले मैं बता दूं कितने टाइप्स की मेरी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं दोस्तों फ्यूजन ईआरपी के अंदर मेरी रिपोर्ट्स होती हैं टोटल फोर टाइप्स की एक होती है मेरी बीआई रिपोर्ट्स जो एक होती है मेरी ओ रिपोर्ट्स एक होती है मेरी स्मार्ट व्यू रिपोर्ट और एक होती है मेरी एफ रिपोर्ट अब सारी की सारी रिपोर्ट्स का फंडा एक नहीं हो सकता है सारी की सारी रिपोर्ट का तरीका एक नहीं हो सकता है और रिपोर्ट में शब्द यूज कर रहा हूं लेकिन फिर भी चार तरीके की रिपोर्ट बता रहा हूं दोस्तों डिपेंड करता है किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको खुद से अपने माइंड से चूज करना होता है कि आप सामने वाले बिजनेस यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी वाली रिपोर्ट आपको डेवलप आप करनी चाहिए कब आपको बीआई रिपोर्ट डेवलप करनी चाहिए कब आपको ओटीबीआई रिपोर्ट डेवलप करनी चाहिए कब आपको स्मार्ट व्यू रिपोर्ट डेवलप करनी चाहिए तो एक एक करके सारी रिपोर्ट्स का डिस्कशन करते हैं यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ अपने यूजर्स को कि जो मेरी जो मेरी बीआई रिपोर्ट है ये केवल और केवल एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके लिए मुझे टेक्निकल बंदे की ज़रूरत है मतलब जो प्योर टेक्निकल बंदा है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बीआई रिपोर्ट के अंदर होगी क्यों क्योंकि बीआई रिपोर्ट के अंदर कंपोनेंट डिजाइनिंग डेवलपमेंट ही बिल्कुल ऐसा है कि वहां पे मेरा फंक्शनल बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता है तरीके से तो फिर फंक्शनल बंदा कौन सी रिपोर्ट बना सकता है दोस्तों फर्स्ट वाले बी रिपोर्ट को छोड़ के मेरा फंक्शनल बंदा किसी भी तरीके की इन तीनों में से कोई भी रिपोर्ट बना सकता है फंक्शनल बंदे के लिए बहुत ईजी है कि वो ओ आई रिपोर्ट बनाए वो मेरी एफ रिपोर्ट बनाए और मेरी स्मार्ट व्यू रिपोर्ट बनाए केवल और केवल उसको नॉलेज होनी है किसकी उसको नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट एरिया की अब ये सब्जेक्ट एरिया क्या है दोस्तों बिल्कुल डिटेल में जाएंगे क्या सब्जेक्ट एरियाज होते हैं क्या डेटा मॉडल्स होते हैं क्या एनालिसिस होते हैं क्या रिपोर्ट्स होती हैं सब की डिटेल में जाएंगे एक एक करके सारी चीज़ों की बात हम जरूर करेंगे सब्जेक्ट एरिया जो होता है दोस्तों और डेटा मॉडल जो होता है ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर हैं मैं समझा देता हूँ कैसे दोस्तों डेटा मॉडल चाहिए होता है मेरे को अपनी बी रिपोर्ट में क्या चाहिए होता है मेरे को चाहिए होता है डेटा मॉडल मतलब डेटा मॉडल अगर आपको थोड़ा बहुत रिमेंबर हो तो औरल रिपोर्ट डेवलपर जो मेरा टूल होता था उसमें डेटा मॉडल के अंदर मैं रखता था अपनी क्या क्वेरी तो क्वेरी जहां पर लिखनी है बट ऑबियस है वहां पर टेक्निकल बंदे की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है क्वेरी लिख करके वो किसके अंदर डालेगा वो डालेगा दोस्तों डेटा मॉडल के अंदर तो बी रिपोर्ट में अभी आपको इतना ही समझना है कि बी रिपोर्ट डेवलप करते वक्त मेरा डेटा मॉडल एक क्रिएट होता है और उस डेटा मॉडल के अंदर रखता हूं मैं अपनी क्या अपनी रखता हूँ क्वेरी क्लियर ओ रिपोर्ट में एनालिसिस आपको सेलेक्ट करके देना होता है कौन सा सब्जेक्ट एरिया चूज करके आप एनालिसिस करना चाहते हो मतलब आपको क्वेरी नहीं लिखनी है आपको वो पर्टिकुलर एरिया चूज करना है लाइक like, आपको पता है कि आपको सप्लायर की कोई इन्फॉर्मेशन दिखानी है या आपको कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो आप बखूबी जानते हो कि सप्लायर आपको कहाँ मिलेगा सप्लायर आपको पेबल्स में मिलेगा परचेजिंग में मिलेगा उसके अंदर सप्लायर का टैब होगा उसके अंदर सप्लायर की लाइन सप्लायर का हेडर सप्लायर की इन्फॉर्मेशन इस तरीके से डिटेलिंग अगर मेरे फंक्शनल यूजर को पता है क्योंकि फंक्शनल यूजर पूरे मेरे सेटअप्स को करता है तो अगर उसको सब्जेक्ट एरिया पता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसको किस एरिया से चूज करनी है तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो ओ रिपोर्ट्स को दोस्तों इजीली बना सकता है अब अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिपोर्ट कब जरूरत पड़ेगी किस रिपोर्ट को कब चूज करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए ये चीज़ कैसे समझ में आएगी तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी बीआई रिपोर्ट होती है बीआई रिपोर्ट का मेजरली जो यूज होता है वो होता है जब आपको यूज़र के हिसाब से दोस्तों ध्यान दीजिएगा यूज़र के हिसाब से कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको डिजाइन करना हो तब आपको ज़रूरत पड़ती है मेरी बी रिपोर्ट की फॉर एग्जाम्पल मेरा परचेज ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी और मुझे देता है बट हर कंपनी के परचेज ऑर्डर का जो फॉर्मेट होता है जो लोगो होता है जो सिग्नेचर होते हैं जो फॉर्मेट होता है वो सब कुछ डिफरेंट होता है तो परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट अगर मैं बनाने को बोल दूं या स्टैंडर्ड रिपोर्ट जो होती है उसको कस्टमाइज करने के लिए बोल दूँ, तो उसके लिए मेरी बी रिपोर्ट ही पिक्चर में आएगी क्लियर ओ रिपोर्ट ओ रिपोर्ट तब टेक्निकल और फंक्शनल यहां दोनों काम कर सकते हैं बट यहाँ पर टेक्निकली बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है सिंपली आपको सब्जेक्ट एरिया चूज करना है सब्जेक्ट एरिया चूज करने के बाद सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वो पर्टिकुलर कॉलम्स आप किसी भी सब्जेक्ट एरिया से जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंड पे ज्वाइंट्स लगते चले जाते हैं टेक्निकली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती बात करूं अपने हाइपेरियन स्मार्ट व्यू और एफ आर एस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टूडियो की तो इसके अंदर दोस्तों जिस तरीके से मेरी पुराने वाली ई आर पी में एफ एस जी रिपोर्ट बना करती थी जहाँ पर मैं सारी ग्रुपिंग सारे चार्ट ऑफ अकाउंट की ग्रुपिंग क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है उस तरीके की अगर रिपोर्ट बनानी है तो मैं अपनी स्मार्ट व्यू जो हाइप्रेजन स्मार्ट व्यू है इसको यूज़ करके बना सकता हूँ साथ में स्मार्ट व्यू के अंदर दोस्तों में उस तरीके की ड्रिल डाउन रिपोर्ट अगर आपको पता होंगी कि ड्रिल डाउन रिपोर्ट में हम क्या करते हैं हम करते हैं कि जनरल लेजर जो बना है ये एक्सल से होते हुए किस मेरे सब लेजर से होते हुए किस मॉड्यूल से होते हुए कैसे कैसे आई है वो एंट्री अगर उस एंट्री को पूरा ड्रिलिंग करना है पूरा ड्रिल डाउन करना है कि डेस्टिनेशन उसका जीएल में हो गया लेकिन उसका सोर्स कहाँ पर है वो पेबल से आया है रिफसेबल से आया कि एफ से आया है कहाँ से आई है वो, वो मेरी एंट्री किस तरीके से फ्लो होकर आई है तो अगर पूरी ड्रिल डाउन बेस्ड रिपोर्ट बनानी है तो भी मैं अपने स्मार्ट व्यू का ही यूज़ करता हूँ आपको हिरारिकल बेस्ड रिपोर्ट बनानी है तो भी आपको स्मार्ट व्यू का ही यूज़ करना है एफ आर जो रिपोर्टिंग स्टूडियो इसका यूज़ एक्चुअली कब करना है इसको कब पिक्चर में लेके आना है दोस्तों जितनी भी मेरी बैलेंस से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो चाहे वो मेरा बैलेंस शीट हो चाहे वो मेरा पी अकाउंट की कोई रिपोर्ट हो इस तरीके की अगर कोई भी हमें फाइनेंशियल से रिलेटेड मतलब अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए मेरी एफ रिपोर्ट पिक्चर में आती है तो यहाँ पर हमने ओवरऑल जितने भी टाइप्स की मेरी रिपोर्ट होती है उनका डिटेल डिस्कशन यहाँ पे दोस्तों कर लिया है सो so दोस्तों आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कैसे बीआई रिपोर्ट क्रिएट की जाती है कैसे वो यूजर को असाइन की जाती है और क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए तो आगे की वीडियोस जरूर देखिएगा फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए सेशन में तब तक के लिए Thank you so much.